इस हफ्ते के नंबर 5 बज मेकर है सलमान खान, जो न्यूज बना रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ कैटरीना बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ कैटरीना सिस्टर इजाबेल। जी हाँ, सुनने में आए हैं कि सलमान सवारने वाले हैं कैटरीना की यंगर सिस्टर इजाबेल कैफ का करियर। जो कैट्स के सबसे रीसेंट लिंकअप की खबरों के बाद जिन सलमान ने उन्हें अपनी फैमिली फंक्शंस तक में इग्नोर करना शुरू कर दिया, अपने घर पर हुए लेटेस्ट गणपति सेलिब्रेशन में जिन सलमान ने कैटरीना को भाव नहीं दिया, रिपोर्टेडली उन्हीं सलमान के प्रोडक्शन से जुड़ी एक अपकमिंग फिल्म में इजाबेल कैफ अपने करियर की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल जिस फिल्म की बात हो रही है वो है एक इंडो कैनेडियन फिल्म। फिल्म का वर्किंग टाइटल है डॉक्टर कैबी। इस फिल्म के लीड स्टार्स में इजाबेल कैफ भी हैं, जो रिसेंटली फिल्म के शुरू हुए शूटिंग शेड्यूल में फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। और गौर करने वाली बात ये है कि रिपोर्टेडली डॉक्टर कैबी के प्रोड्यूसर्स में सलमान खान प्रोडक्शंस भी एक हैं। सोर्सेज से इशारा मिला है कि इजाबेल कैफ को फिल्म की लीड कास्ट में एंट्री सलमान खान की वजह से ही मिली है। वैसे भी खुद कैटरीना के करियर में सलमान का सपोर्ट किसी से नहीं छिपा है, और तो और भले ही सलमान कैटरीना की राहें अब जुदा हो गई हों, इसके बावजूद अब भी जब कैटरीना किसी मुसीबत में पड़ती हैं, तो वो सलमान ही हैं जो सबसे पहले सेवियर बनकर सामने आ जाते हैं। आपकी ऐसी तस्वीर, आपकी माँ, आपकी बहनों की ऐसी तस्वीर आगे तो आपको कैसा लगेगा। और अब इजाबेल कैफ को एक इंडो कैनेडियन फिल्म में ब्रेक दिलवाने के अपडेट के बाद ये क्लियर हो गया है कि कैटरीना और उनके फैमिली के लिए सलमान के दिल में अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ऐसे में हमारे काउंटडाउन पर नंबर 5 की जगह तो सलू भाई के जेनरस एक्ट के लिए बनती ही है।